आगे बढ़ेंगे। भाजपा की प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर से शंखनाद करने जा रहे हैं। बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के लिए बैठक होगी। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों को अमित शाह जीत का मंत्र भी देंगे। सीएम अजय लाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रमुख भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। बीकानेर में करीब सवा घंटे रहने के बाद दोपहर में उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उदयपुर की कृषि उपज मंडी समिति में भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। फिर अमित शाह उदयपुर से विशेष विमान से शाम 5:15 बजे राजधानी जयपुर पहुंचेंगे। यहां पर भी एक खास बैठक लेनी है, ये भी अपने आप में बेहद खास, क्योंकि कलेक्टर्स मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा मौजूद रहेंगे, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शंखनाद लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शंखनाद कर रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं। और अगर अमित शाह की बात करें तो बीच में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, दा पेच लगाने वाले अमित शाह एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। और राजस्थान के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि दो बार से लगातार 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी देती आई है। और ऐसे में बीकानेर संभाग अपने आप में बेहद खास, तीनों बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, कितना असर यहाँ पर इस दौरे का पड़ता नजर आएगा। और ये इसलिए भी क्योंकि डबल इंजन की सरकार फिलहाल अभी है और कोशिश इस बात को लेकर रहेगी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक बार फिर से केंद्र में भी बीजेपी को लेकर आए, 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले, और ये कोशिश रहेगी। और इसी का जीत का मंत्र अमित शाह देते नजर आएंगे। तो बीकानेर से इसका शंखनाद होगा। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों को अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। मंथन होगा, आगाज बीकानेर से लोकसभा क्षेत्र के लिए बैठक यहां पर होगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा उस बैठक का हिस्सा होंगे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल होंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रमुख भाजपा नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राजधानी जयपुर से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य आज राजधानी जयपुर में, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचेंगे। इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि बीकानेर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद वो करने जा रहे हैं, आगाज होगा, और ऐसे में राजधानी जयपुर भी लौटेंगे। राजधानी जयपुर का भी दौरा रहेगा, बेहद खास लोगों के साथ आज चर्चा होगी। एमपीएस स्कूल में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और 5:15 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। करीब 1 घंटे का यह आयोजन रखा गया है जिसमें शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर जयपुर शहर भाजपा उनका स्वागत करेगी, सत्कार करेगी। इसके बाद सीधे जवाहर नगर स्थित एमपीएस स्कूल पहुंचेंगे, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करने के बाद दिल्ली जाएंगे अमित शाह। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने कहा कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि अपने आप में बेहद खास होगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, बीजेपी के राजनीति के चाणक्य कहने वाले अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है अभी जनता भी जानती है, लेकिन बीकानेर से इसका आगाज, उसके बाद जयपुर लौटेंगे, जयपुर में भी खास आयोजन, उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत कई प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे, तो किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा? देखिए, पूनम, एक एक करके हम अगर देखें पूरे दौरे को तो पूरा दौरा अपने आप में अलग तरह का है। सबसे पहले बीकानेर, बीकानेर मतलब किसान बेल्ट, जाट बेल्ट, और वो इलाका जो डिवीजन नहरी क्षेत्र को भी कवर करता है, और पूरे बीकानेर का जो एक मैसेज है वो तकरीबन 20 से 25 सीटों पर सीधा जाता है और खास तौर से उस किसान बेल्ट में जाता है जो हरियाणा से सटी है, जो पंजाब से सटी है, और जहाँ पर किसान मूवमेंट भी अभी नजर आ रहा है, तो उस मद्देनजर भी ये दौरा बेहद अहम है। तो बीकानेर जो अपने आप में पिछले बीते चुनाव में 50-50 रहा होगा, इस तरह के रिजल्ट्स आए वहाँ पर, और कई अनएक्सपेक्टेड चेहरे बीजेपी के वहाँ चुनाव लूज कर गए और कई ऐसे चेहरे भी चुनाव जीत गए जिनकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि बीकानेर को साधने का काम अमित शाह अपने दौरे से करेंगे। उसके बाद जनजाति बहुल, आदिवासी बहुल इलाका उदयपुर की तरफ जाएंगे। उदयपुर अपने आप में उससे
जाने से ठीक 24 घंटे पहले ही महेंद्रजीत मालवीय को उदयपुर के जो संभाग के खासतौर से वागड़ के बड़े नेता हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता भी कहे जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो चुकी है। जी। तो एक तरह से कहा जाए तो एक अलग वातावरण वहां पर नजर आएगा महेंद्र मालवीय के आगमन के बाद। तो उदयपुर के दौरे से तकरीबन 30 सीटें जो है उदयपुर डिवीजन की, जिनमें आदिवासी बहुल इलाका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टीएसपी का जो बेल्ट कहा जाता है, और मालवीय को आने से बीजेपी को उम्मीद है कि 16 आदिवासी बहुल जो सीटें हैं उन पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ का इलाका हुआ, चाहे राजसमंद का इलाका हुआ, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले हो, उदयपुर ग्रामीण हो, तो अमित शाह एक पूरे मिजाज को भी भांपने का काम करेंगे कि गुजरात से सटे और एमपी से सटे आदिवासी बहुल इस इलाके में क्या जनता का मानस है, किस तरह के वहां पर इस वक्त लोग सोच रखते हैं मोदी सरकार के प्रति और भजनलाल सरकार के प्रति। उसके बाद शाम को जयपुर में प्रबुद्ध वर्ग के बीच में अमित शाह रहने वाले हैं। तकरीबन 5:25 पे एमपीएच स्कूल में उनके आगमन की बात की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे 1.25 घंटे का जो कार्यक्रम होगा उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे और तमाम गणमान्य संबोधित करेंगे। लेकिन ये जो पूरा बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम है ये एक अलग तरह की बीजेपी की पॉलिटिक्स है जो कार्डर को तो स्ट्रॉन्ग करती है, साथ ही एक उस वर्ग के बीच में संदेश देने का काम करती है जिस वर्ग जो वर्ग हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो। तो इन सबके बीच में अमित शाह का संबोधन बेहद खास रहने वाला है। बीजेपी की जो नीतियां हैं, मोदी सरकार के जो काम है, विकसित भारत का संकल्प है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह की सोच रखती है और भी कई महत्वपूर्ण जो बिंदु है, और क्योंकि राजधानी जयपुर में ये कार्यक्रम होना है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी तो रहेगी, मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा 2024 के विजन को जीतने का संकल्प जो है वो अमित शाह सबके सामने रखेंगे। तो ये पूरा जो दौरा है अपने आप में राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई को माइलेज देने का तो है, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के मिजाज को भांपने का काम भी अमित शाह योगेश जी, क्योंकि इस चीज को भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि दाव पेच लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब चुनौती सामने हो, और इस बार चुनौती है किसान आंदोलन, सहमति नहीं बन रही, लगातार वार्ता हो रही है, किसान बेल्ट का आपने जिक्र किया, बीकानेर संभाग की 3 सीटों का आपने जिक्र किया, क्या चुनौती को भांप पाएंगे अच्छे से या फिर यूं मान के चले कि इसका कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आएगा, जो भूमिका फिलहाल बीजेपी अभी बना चुकी है राम मंदिर या फिर अन्य मुद्दों को लेकर? देखिए पूनम, ये बात सही है आपकी, बहुत अच्छा सवाल है। आप खुद नहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं और पूरा नहरी क्षेत्र किसान आधारित जो पूरी वहाँ की राजनीतिक है उसको साधना बेहद है। मैं आपने देखा होगा कि हाल ही में जो चुनाव हुआ कर्णपुर का उपचुनाव, सरकार आने के बावजूद सुरेंद्रपाल पीटी को मंत्री बनाने के बावजूद बीजेपी वहां चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में ये इलाका प्रभावित करता है, किसान मूवमेंट जो चल रहा है उससे भी प्रभावित होता है, पंजाब की सियासत से भी प्रभावित होता है, और यहाँ 3 बड़ी जातियां हैं जिनके मिजाज को अगर नहीं समझे तो यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता। वो 3 बड़ी जातियों में सबसे प्रमुख यहाँ पर दलित पॉलिटिक्स है। बीकानेर डिवीजन में दलित वर्ग और खासतौर से हम अगर दोनों लोकसभा सीटों की बात करें तो दोनों ही एसटी रिजर्व सीटें हैं, बीकानेर की सीट हो चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट हो, और दूसरी बड़ी जाति है किसान वर्ग है, जाट बेल्ट है, जो हर सीट पर वहां के समीकरणों को प्रभावित करने का काम करता है। योगी जी, विस्तार से चर्चा बेहद जरूरी है इस मुद्दे पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।